आइया को भी चोट और दादू का भी। जसजील क्या लाए हो आप? फ्यूचर तो यही है इसका। हेलो पापा। यार ये मेला वगैरह तो आप देखते रहोगे। बोले मेरे को बाइक अब चलानी ही नहीं, बट भीड़ काफी आ रही है, कोई कमी रह जाए। आज हमारी रोटी हमने यहीं खा ली है, पहले नेहा ने खिलाई है आइया को, फिर उसके बाद हम यहीं बैठ गए आइया के पास ही। मेरे को पुराने दिन याद आ गए जब आइया बहुत बेबी थी, तब आइया को रोटी खिलाती थी ना मम्मा, कहती आज मैं खिलाऊंगी, उसको चोट लगी हुई है। थोड़े थोड़े चावल छोले खाए हैं जो ना को थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने फिश खिलाकर खा लिए, गोल्ड फिश, छोटी चीज। हाँ ठीक हो जाएगा पुत्र, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बस वो सारी ना उसको लिप्स की ही दिक्कत है, लिप थोड़ा सा हुआ है, सुबह तक ठीक हो जाएगा बेटा। एटलीस्ट अगर लिप की दिक्कत नहीं थी नहीं तो ये तो ठीक हो गया। हाँ एटलीस्ट यू आर एबल टू ईट, सबसे बड़ी बात ये है ना कि टीथ में कुछ नहीं लगा, शुक्र है रब का, बड़ा शुक्र है। चलो जी रोटी खाएं। ये ना आजकल नया शो हमारा फेवरेट हो गया, जो भी चोर जैसे दिखेगा, हाफ पैंट फुल पैंट आइया का नया शो फेवरेट हो गया आजकल। पुलिस तूने नहीं देखा मन्नू? मन्नू आ गया भाई, आजा। क्या हाल है? सबको फिक्र है आइया की। क्या लेके आऊं के लिए? आइसक्रीम लेके आ रहा है उसके लिए। जान सबकी अटकी हुई है आइया में। चलो जी आइसक्रीम मैकडोनल्ड से आई है, मैकडोनल्ड से, फिर उसके बाद डोनट आया, अब ये आ रहा है कि भाई सॉफ्ट सॉफ्ट का है, ठंडा ठंडा का, इसमें आइया की ऐश हो रही है। हाँ ये मजे का नहीं बेचना भाई, जिस चीज पे बैठता है। तो मन्नू जी रिक्लाइनर पे आराम फरमाते हुए स्कूटर चला के आए हैं आज। आपको तो पता है हमारे सास्केटून में आप स्कूटर रेंट कर सकते हो आप ना, तो आज मन्नू जी ने ट्राई लिया, कैसा था? बहुत मजा आया। अच्छा पैसा वाला ही होगा ना, जैसे अब कल वहाँ पे हमने चलाया था कलोना चलाया था, तो रश होता ना। हाँ हाँ यहाँ तो खाली है रिवर एंडिंग पूरी, यहाँ तो रोड पे चलाया हमने। हाँ रोड पे चलाना है, साइड वॉक पे तो चलाना ही नहीं होता है ना, साथ हेलमेट नहीं पहनते, नहीं पहनना जी। मैं तो सीधा सर भी गिरा था, मैं तो पूरा रिवर ब्रॉडवे ब्रिज विक्टोरिया ब्रिज बड़ी फोटो खींची मैंने। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। नाउ आई इज फीलिंग मच बेटर, बट आइया का जो अभी लिप है इट इज स्टिल हैज लिटिल स्वेलिंग। ये देखो छोटी सी स्वेलिंग अभी बाकी है। और अब ना हम आपको पता है आइया को चोट लगी थी तो हम जा तो सकते नहीं राशन लेने, तो हम वॉलमार्ट की ऑनलाइन ग्रोसरी पिकअप की बना रहे हैं। आइया के पास लिस्ट पड़ी हुई है, आइया हमारी बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है। बट बेटा मैं इसको ये समझा रहा हूँ रेट रेट देखने होते हैं, बेटा ऐसे नहीं करने देनी होती चीज। अच्छा You don't care about rate? आइडिया को लगता है ना अपना भी तरोबा लग जाएगा साथ। कुछ अगर वॉलमार्ट की ऑनलाइन ग्रोसरी होगी तो नहीं है राइस हमारे टिल्डा ऑनलाइन राइस नहीं है, मैंने पूरा देख लिया है, इंटरनेशनल फूड्स, इंडियन फूड्स, टिल्डा भी लिख लिया है, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला है ना कि ऑनलाइन कल नहीं दिख रहे थे, तो जो है ले लो अभी, बाकी बिल फिगर आउट कहीं और से। I must tell you, I feel so nervous when Arya is on the shopping spree. Just like Neha ji आती हैं, करते, मैं कहा देख तो लो एक बारी, कोई और ब्रांड का, कुछ और ब्रांड का होएगा, एक रुपए सस्ता होगा, कुछ होगा। कर दिया मैंने बच्ची को, कुछ करने की बात नहीं है जल्दी। तो जी नाश्ता वाश्ता करके रिलैक्स करा, थोड़ा पानी दिया नीचे पौधों को, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, इवन दो धूप बहुत ज़्यादा है। एंड अब बस नीचे जा रहे हैं, दो तीन हमारे प्लांट्स लगाने हैं जो पेंडिंग है बहुत दिनों से, एंड देन वील कैरी ऑन द डे। लाडो इज फीलिंग मच मच बेटर, आराम से स्टेशन हो गई है यहाँ पे झूले पे छाव में, मैंने इसको वो दे दिया है जो हमारा ना ट्रैवल वाली टेबल है, ये जो हम गाड़ी में रखते हैं, हाँ आड़िया के खाने के लिए या फिर यू नो कोई क्राफ्ट करने के लिए रास्ते में जब रोड ट्रिप्स पे जाओ। तो आड़िया अपना थोड़ा सेटल हो गई है, मैं पानी ला के आड़िया के पास रख दूंगी एंड देन हम लोग जाएंगे नीचे। मेरा चश्मा कहाँ गया यार, टूटा हुआ चश्मा रखा हुआ यहाँ पे पहनने के लिए कभी बाहर जाने के लिए। अच्छा वेदर है, गरम गरम हवा है और ये लोग निकल गए हैं पता नहीं कहाँ, पानी पुनी देने आए थे नीचे, अब नजर नहीं आ रहे, ये आगे निकल गए होने, नए पौधे में आइया पानी डाल रही है। पैर ठीक है अब? हाँ वो ना दर्द होती है चलने में पर लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, कहती है स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा ना, चलूंगा नहीं तो। लाडो ने तो पानी दिया ही नहीं हमारे ट्री में, न्यू वाले में।
और थोड़ा चलेगी ना फ्रेश एयर में आएगी, अच्छा लगेगा। सो जी आ चुके हैं गार्डन में, आइया बैठिए झूले पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रही है, हम लोगों ने अपना काम करना है बाकी का जो कल नहीं हुआ था। ये नेहा जी ने अपना सारी जो है ना सामग्री से इधर रख दी है और मेरे को बोल दिया गया कि शुरू करो। कहाँ से शुरू करें मैडम? वो वहाँ पे दो प्लांट्स लगाने हैं, दो प्लांट्स लगाने हैं और ये रहे दो प्लांट्स, एक एंड एक दो। इसमें मेहनत कम लगेगी, इसमें जा लगेगी। हाँ जी कहाँ पे, कौन कौन सा कहाँ पे, आप आइए जरा थोड़ी बहुत। वहीं पे जा रखे हुए, अच्छा नहीं रहेगा? अच्छा तो रहेगा, कर दें गड्ढा। हाँ कर दो जी। चलें जी गड्ढा शुरू करें, यही काम है हमारा। मैं दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा हूँ और मेरे लिए भी खुदरा होएगा कहीं। भाई साहब गड्ढा करने में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, देखो निकाल लिया मैंने। एक दिन ऐसे ही गड्ढा गुड्ढा करके मेरे को ना कर देना इसमें खत्म। अच्छा वन लग गया, अब एक और लग रहा है सेकंड। जस जी ये बड़ा वाला गड्ढा कर रहे हैं इस वाले बड़े श्रब के लिए, तो ये सारे अब हम पेरिनियल्स लगा रहे हैं। सो वी वांट टू मेक दिस होल गार्डन पेरिनियल, लेस टेंशन, लो मेंटेनेंस, धीरे धीरे बैकयार्ड में सबको लगाएंगे। ये निकल गया सर्कल, अब नेहा जी अपना, नेहा जी विल डू द ऑनर्स, पुल द वीड आउट, आई मीन पुल द ग्रास आउट। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ये देखो, ओ भाई साहब ये देखो, इतनी मेहनत लगती है ना जब ग्रास तुम उगाओ एंड अपने हाथों से जब उखाड़ो ना, इट्स नॉट फन। अभी गहरा और करना पड़ेगा, बहुत भारी है नेहा, रुक जा। ये देख लो भाइयों बहनों, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए तो मुझे भूल जाना, किसी और को वोट दे देना। बहुत अच्छा गड्ढा हुआ, बहुत अच्छा गड्ढा, गोल, फर्स्ट क्लास, डीप इनफ फॉर दिस वन, लेट्स प्लांट इट। सो अगर आप अपने गार्डन में बर्ड्स देखना चाहते हो ना, तो नेहा का आइडिया देखो कितना अच्छा है। अभी हम दो मिनट भी नहीं हुए ऊपर आए और ना वो नेहा कहती है पानी ऐसे छोड़ दे स्प्रिंकल टाइप पाइप में से, तो उससे अट्रैक्ट करती हैं बर्ड्स, अट्रैक्ट होती हैं ऐसे वाले वाटर से जो स्प्रिंकल होके आता है। और हमारे सामने दो इधर बैठी है, एक वो सामने उधर, एक और आ गया फैंस देखते नेहा। ये देखो द बेस्ट थिंग इज की बर्ड बाथ होता है ना, जो वो स्टैंडिंग वाटर होता है, तो ऐसे वाले बर्ड बाथ में जब वो आती है उनको बड़ा अच्छा लगता है एंड दे एंजॉय एंड वांट टू कम बैक। वो देखो बैठी हुई है आराम से। I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. So भाइयों बहनों क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? ये देखिए यहाँ लग चुके हैं दोनों प्लांट्स। ये आए कब थे ये मेरे को पता नहीं, इसका मेरे को पता है ये कब आया कहाँ से आया, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। ये बीच वाला छोटू, अब ये नेहा जी का प्लान है कि ये सारी लाइन ऐसे ही भरनी है, पेरिनियल्स लगाने हैं सोने सोने, जो हम बुजुर्गी में एंजॉय करेंगे 8-10-12 साल बाद जब हम रिटायर होंगे, तो बैठ के देखा करेंगे अच्छे अच्छे फूल आएंगे इनमें। हमारा काम है काम करना, फल देना थे ऊपर वाले आते चाहे। ये देख लो आलू के पत्ते मैं जब भी देखता हूँ और ऊंचे हो गए होते हैं, ये देखो कितना ऊंचा हो गया, बट वीड काफी आ रही है, ये प्लक करनी पड़ेगी आसपास छोटे छोटे पत्ते अनवांटेड, वो करेंगे एक दिन अब। और ये सबसे ज्यादा तो ग्रीन बीन्स है भैया, ऐसा भाग रहा है ग्रीन बीन्स, रुकने नहीं रुक रहा। ये देखो ऐसे इतना ऊपर से यहाँ तक चला गया पूरा, मटर भी पीछे बहुत वधिया चले गए हैं, कमाल ही होगी। हर साल इतने इतने लगा के शुरू करते हैं लेकिन साल खत्म होने तक इतने इतना भर जाता है सब कुछ। सो मे भी इस साल भी ऐसे ही होगा। सो बनाए रखेंगे नजर इन पे और आप भी बनाए रखना नजर हमारे पे और इन पे। अब थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है यहाँ बैठ के, फिर ना आइया काफी अच्छा फील कर रही है, सो वी आर थिंकिंग टू गो। हाँ वो स्वेलिंग भी ऊपर की कम हो गई है, नीचे की थोड़ी सी है, और अब हम जाने की सोच रहे हैं बस्टर डे पे। अब फाइनली बस्टर डे पे जा रहे हैं, बेचारी बच्ची कल से कह रही है, कल इस टाइम निकले थे इसी टाइम। चलो भाई चलें, हो गया सारा सामान, पानी मेल लेते चलिए। चलो जी वो देख अपनी बोतल लगा रही है वो, भाई साहब अपनी बोतल उठा के लाई है वहां से बाइक पे लगाने के लिए। आई हैड अ फियर कि आइया ना बाइक से गिरी है, पता नहीं कहीं बोले मेरे को बाइक अब चलानी ही नहीं, तो मैं अंदर से पहली बार गिरी है ना, तो मैं बड़ा डरा हुआ था। तो फिर आइया को मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा भाइया बाइक गिव अप तो नहीं करेगा ना, चल चल। आज बड़े दिनों बाद मैंने व्हाइट परना बांधा है, ये रब का बड़ा शुक्र है कि मैंने ना वेले सिर अपनी लाइफ में परना बांधना सीख लिया। फर्स्ट स्टॉप है हमारा फार्मा सेफ, क्योंकि ना डॉक्टर टेप ला के ना पट्टी अच्छे से बांध दे, इसकी लूज हो गई है पट्टी ना, खुला छोड़ना चाहते हैं लेकिन ना फिर बच्चा तंग होता है, अभी बाहर जाओ तो घर में आके खुला छोड़ देंगे, कल आइए स्कूल नहीं जा रही तो कल तक शाम तक हील हो जाएगी काफी अच्छी। ओ मम्मा आ गई पट्टी लेके, आ गई। That hurts so bad when you peel the band-aid. मम्मा, मैंने कहा लड़कियां वैक्सिंग कराती है बेटा, तेरे को बैंडेड निकालने में उसको बैंडेड उतारने में भी लग रहा है, मैं कहा आगे बड़ी होके वैक्सिंग कराती है लड़की। सो बस्टर डेज हमारा होता है मार्टिन्सविल एथलेटिक्स पवेलियन में। ओ रॉस होए होए होए, ये देखो यहीं पे हम आते हैं, बाइक पे हम आते हैं कभी, ये हमारा बाइक का स्थल है किंग्समैन पार्क ऑफ मार्टिन्सविल। यार ये मेला वगैरह तो आप देखते रहोगे लेकिन जो चीज दिखाने वाली है ना, इतनी महंगे मैंने शूज लिए, मैंने कहा दिखाई दूं आपको,
ये देखो कितने के थे नया 20 रुपए आई थिंक 15-20 से ऊपर नहीं लेते 15 है ही नहीं हमारी है ही नहीं हैसियत ही नहीं है 6 महीने निकल जाती है नहीं इनको फिर गार्डन बना लेते हैं हम एक्चुअली ये वाले माड़े थोड़ी है वॉलमार्ट से लिए हैं बताओ क्या जरूरत है $100 के क्यों लेने हैं यार अच्छा पहला स्टॉल आ गया लेमोनेड का और सामने बाकी के सो आइया को सिर्फ इसलिए आइया पेटिंग जू के लिए इसको पेटिंग जू का बहुत ज्यादा क्रेज है सो ये है इनका बनीज इसके फेवरेट है और भाई सब घर पे हमें कहती है मेरी लात घूम मुड़ नहीं रही है नहीं हो रही यहाँ से जंप करके ऐसे अंदर पड़ी है फटाफट ये बस ना ये सब नाटक है भैया इसकी ना ये पॉटी बढ़िया इसको भी टच कर लो नो कम ऑन आउट लेट्स गो आर्या को मन करता है इनको पेट करने का ये सिर्फ इसके लिए आना चाहती है लेकिन ना अंदर था अंदर वो है बाउंसी कैसल्स वगैरह लेकिन वो ये कर नहीं सकती आज बेचारी को बड़ा शौक था बट वी विल हैव टू वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर फॉर दोस सो ये है जी बेबी डक्स और दीज आर बेबी चिकन्स सो रैबिट हो गया डक्स एंड चिकन्स हो गई उसके बाद ये बर्ड थी यहाँ पे एंड देन यहाँ है पेपा पिग हेलो पेपा ये यहाँ पे था पेपा पिग और आराम से लेटा हुआ है वो क्योंकि डैडी पिग लव्स टू डू नथिंग एंड देन उसके बाद यहाँ पे है सूजी शीप ओ भाई साहब दैट्स अ बिग रूस्टर ये कितना बड़ा है यार ये देख जस्ट इसको वो देखो इसके जो वूल है ऊपर आहो आहो मैं वो लेके आती हूँ भूखे हैं बेचारे देख रहे हैं मनु जी आ गए हैं आप देखो जी मनु जी आज ऑस्ट्रेलिया की डोबी पहन के आए हैं ये आज एक्चुअली बहुत दिन है जब ऑस्ट्रेलिया जीती है और ये पता नहीं वीडियो आने तक तो काफी टाइम निकल जाएगा सो मनु बड़े प्रसन्न है आज टेस्ट मैच वाली टोपी पहनी है जिन काल के स्पेशली यस यस ओह चलो चलो अब ऐसी वाहिद टीम हो गई है हमारी अच्छा बस सारी ट्रॉफीज हो गई है वर्ल्ड 2020 चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप टेस्ट सब ओह वेरी नाइस वाहिद टीम है हमारी चलो अब उसमें अब देखते हैं एशेज में आप कैसा करते हैं वेरी नाइस फीड द कोन टू द गोट्स फीड द गोट्स वगैरह हो रहा है यहाँ गोट्स ये देखो कितना बड़ा रूस्टर है भाई साहब कितना बिग दे केंटकी केंटकी इसके आगे FC लिख दे और फ्यूचर तो यही है इसका केंटकी फ्राइड चिकन आर्या खिला रही है इसका डन बेटा डन मिल बांध के खा लो ओ जानवर तो यहाँ बहुत है लेकिन मैं एक बात बोलनी भूल गया कि नो एनिमल्स वर हार्म्ड व्हाइल फिल्मिंग दिस वीडियो They were fed. अंदर आ गए हैं मैप के देखो आप हमने पहले भी दिखाया हुआ है पिछले साल भी तो अंदर हमेशा हर साल ऐसे ही बाउंसी कैसल वगैरह लगती हैं काफी सारी लगी हुई हैं इधर से ऑल द वे अब ये थोड़ा टैटू वगैरह करवा रही है बड़ा उदास हो गई है बेचारी कहती है कि मैं अपना ना कुछ कर नहीं पा रही मेरे को मैंने कहा बेटा शुक्र कर तू वॉक करके आ तो गया आर्या ना एयर ब्रशिंग करवा रही है देखो कितना सुंदर आने वाला है आर्या चोज अ वेरी गुड डिजाइन तो अब ना हम बाहर आ गए हैं फूड ट्रक्स की तरफ मनु लेने गया है यहाँ पे चिकन फिंगर्स एंड फ्राइज सामने लेमोनेड का स्टैंड है और वो है शेव्ड आइस जो गोले कहते हैं बर्फ के गोले एंड देन यहाँ से वो चिप्स लेंगे हम तो हमने तो और कुछ नहीं खाना ये वॉफल्स हैं इधर प्रोटीन है और उधर वो बर्गर वगैरह हैं हम ले आए हैं फूड ट्रक से कपल आइटम्स आर्या की आई है चिकन फिंगर्स एंड फ्राइज एंड यहाँ आ गए हैं लेमोनेड एंड वहाँ पे है आर्या वॉट चेरी फ्लेवर एंड दैट इज ब्लूबेरी एंड जस जी आ गए सही मौके पे जस जी भी आ गए ये देखो जस जी क्या लाए हो आप जस जी के फेवरेट मेरे को ना समझ नहीं आ रही इसको कहते क्या है मैंने उसको पूछा कि एक्चुअली उस स्टिक पे जो चिप्स है उसको क्या कहते हैं इतनी बार तो खाए हुए हैं मैं भूल जाना हूं ना तो पता है जस जी और सामान लाते हुए अब क्या लाए हो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स दिखाओ ये लो जी बाजी ऐसा ऐसी फील आती है आप ना स्ट्रीट ईटिंग कर रहे हो जैसे आप इंडिया में करते हो ना यहाँ पे लगे होते हैं ठेले ऐसे फूड ट्रक्स लगे हुए हैं बहुत ज्यादा रश था यार बहुत रश है इस वाले फूड ट्रक के पास सबसे ज्यादा रश क्योंकि आई थिंक इसके पास वैरायटी है ना बहुत वैरायटी है इसके पास आगे देखो कैसे हैं थोड़े गर्म होने अगली बार आप भी लगा देना राजमा चावल कढ़ी चावल हैं मैं और मम्मी वैसे मजा आ जाएगा लोग पागल हो जाएंगे खाओ खाओ लोग बैठे भी हुए हैं यहाँ ना टेबल्स भी लगी हुई है बीच में सारी लेकिन हम बैठे हैं आराम से छाऊ में ब्लैंकेट बिछा के ट्री के नीचे आइए दिस इज कॉल्ड अ ब्लैंकेट आई मीन दिस इज लाइक मोम जामा टाइप खाना पीना खा लिया है फर्स्ट क्लास बहुत सारी चीजों का जायका ले लिया एंड
जलसा सफल हो गया जर्जी कह रहे हैं। शिकंजी कैसी थी आपकी जर्जी? चीनी नहीं थी। हमने नॉन डायबिटिक, हमने डायबिटिक बनवाई थी। एंड आपका कैसा था मनु जी शिकंजी? ब्लूबेरी वाली लेमनेड है ये, उन्होंने फ्लेवर्स डाल देते हैं। खाना पीना हो गया है, मेले को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। बहुत ही प्यारा मेला था हमारी प्यारी। यू कैन पेट द बनीज अगेन एंड यू कैन ऑल्सो गेट द कॉटन कैंडी। यस, तो ये क्या हो रहा है? कह रहा पक्की पुनी है, करा रहे हैं। ओ मैं ले आता हूँ कॉटन कैंडी, यहाँ पे बन रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और आर्या ने अपना कॉटन कैंडी बॉक्स ले लिया है। आइया का ना वन लास्ट टाइम कहती है, मेरे को पेट करने का भी बनना है बन्नीस को, कि तो हम यहाँ आ गए हैं। और ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है येलोस्टोन में, ये जैसे काउ बॉयज कैटल को पकड़ने के लिए रोप फेंकते हैं, ये वो हो रहा है। बड़ा बढ़िया, आर्या बन गई है फार्म गर्ल। आर्या जैसे हॉर्सेस को नहीं पकड़ते। आर्या जाना नहीं चाहती, आर्या फिर से घुस गई है अंदर। ये देखो इसको पाई कर लो SJHJ। लास्ट टाइम इनको खिलाया जा रहा है, आर्या का दिल नहीं भर रहा, आर्या खिलाई जा रही है। खिला जो पतली वाली जो है, या मन्नू जी कह रहे हैं पतली वाली को खिला और ले आए। बस खिलाना है, किसी को भी खिलाओ। फेर को बाय बाय करते हुए, आर्या डिड यू हैव फन? फन कर लिया आर्या ने, थोड़ी सी आर्या को लगी हुई है, फिर भी बेचारी कहती है कि मैं बार बार घूम लूंगी। सबका फन हो गया है। मनु जी आपको कैसा लगा जलसा? अच्छा था, इट वॉज रिलैक्सिंग, वेरी नाइस, काम अच्छा लगा। अब जा रहे हैं गाड़ी में, घर वापस आ गए हैं। पूरा दिन ना वो बस स्टैंड है, पूरा दिन तो नहीं मतलब 2-3 घंटे लगा के। अब शाम की रोटी का टाइम है, भूख इतनी है नहीं, मैं कह रहा हूँ नया को एक ही रोटी खाऊंगा। आज परांठी खाने का मन कर रहा है, आर्या खाना चाहती है परांठी, तो आर्या को परांठी, ये मिस्सी रोटी बोलती है उसको, परांठी को नमक वाली परांठी, उसको ये मिस्सी रोटी बोलती है। तो चलो ये खा लेगी वो। और केबल रिचार्ज करने का मैसेज आ गया था सुबह मम्मी का, ये देखो लिखा हुआ है ना नीचे, केबल रिचार्ज कर देंगी। तो मैंने केबल, आपको पता ही है IPTV हमारे पास जो है अब तक का मोस्ट रिलायबल IPTV है ये। किसी को अगर नहीं पता, नए आए हो, IPTV चाहते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। बंदे का नाम है अमन। मैं इतने सालों से हम लोग यहाँ पे हैं और ना IPTV ले रहे हैं, लेकिन हर IPTV सर्विस ना थोड़ा टाइम चलती है, फिर लोग भाग जाते हैं, बंद हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। बट एंड्रॉइड बॉक्स भी बहुत यूज करे हैं, बहुत करा है हमने, वो भी करा है जो जादू टीवी बॉक्स, हाँ सब कुछ करा है, तरीके से यूज करी है। लोग ये जो नए लोग आए हैं इनको तो पता ही नहीं उन्हें जादू है क्या। तो एक टाइम था जब ना केबल कुबल नहीं होती थी, IPTV भी नहीं होता था, जादू टीवी करके होता था बॉक्स, हमने वो भी लिया था। आजकल पता नहीं आता नहीं आता, लेकिन आजकल IPTV इज द बेस्ट वे टू गो, बेस्ट वे टू वॉच इंडियन चैनल। से पीछे से पटपट की आवाज आ रही है, ये पता नहीं क्या कर रही है। तो इसलिए IPTV अगर आप नए आए हो और घर पे टीवी चलाना है, मम्मी पापा का आने का टाइम होता है ना ये समर में, बड़े लोगों की मम्मी पापा आते हैं तो उनको टीवी चाहिए, तो भाग जाएंगे, भाग तो मम्मी पापा चले जाएंगे, फिर बोलेंगे तोड़े होते तो बोर हो जाता है। तो इसलिए टीवी लगवा लेना, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। बंदा बहुत नाइस है, बहुत अच्छा बंदा है और रिलायबल सर्विस है, एंड हमारी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, फर्स्ट क्लास चलते हैं सारे चैनल। तो वो मैच और विलो टीवी वगैरह भी सब इस पे चल जाता है आराम से। दादू दादी आए हैं आइया का हाल पता करने, और दादू को भी लग गई है फिंगर पे, आइया को भी चोट और दादू का